नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमन नारायण 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 हरे हरे। पुरुषोत्तम मास के महत्व की कथा का 5वां अध्याय श्रवण मात्र से आपके सारे कष्ट दूर होकर के आप पाप रहित होते हैं। नारद जी बोले, हे महाभाग, हे तपोनिधि, इस प्रकार अधिक मास के वचनों को सुनकर हरि ने चरणों के आगे पड़े हुए अधिमास से क्या कहा। श्री नारायण बोले, हे पाप रहित, हे नारद, जो हरि ने मल मास के प्रति कहा वह हम कहते हैं, सुनो। हे मुनि श्रेष्ठ, आप जो सत कथा हमसे पूछते हैं आप धन्य हैं। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, वैकुंठ का वृत्तांत हम तुम्हारे सम्मुख कहते हैं, सुनो। मल मास के मूर्छित हो जाने पर हरि के नेत्र से संकेत पाए हुए गरुण मूर्छित मलमास को पंख से हवा करने लगा। हवा लगने पर अधिमास उठकर फिर बोला, हे विभो, यह मुझे नहीं रुचता है। अधिक मास बोला, हे जगत को उत्पन्न करने वाले, हे विष्णु, हे नारायण, हे जगतपति, जगत के पालन हारे, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। हे नाथ, हे प्रभु, मेरे शरण आए कि आज कैसे उपेक्षा कर रहे हैं। मेरी उपेक्षा ना करें, मेरी रक्षा करें, मुझे कोई मार्ग बताएं। इस प्रकार कहकर कांपते हुए घड़ी घड़ी विलाप करते हुए अधिमास से बैकुंठ में रहने वाले ऋषि केश हरि बोले। श्री विष्णु बोले, उठो उठो, तुम्हारा कल्याण हो। हे वज, विषाद मत करो। हे नरेश्वर, तुम्हारा दुख मुझको दूर होता नहीं ज्ञात होता है। ऐसा कहकर प्रभु मन में सोचकर क्षण भर में उपाय निश्चय करके पुनः अधिमास से मधुसूदन बोले। श्री कृष्ण बोले, हे वत्स, योगियों को भी जो दुर्लभ गोलोक है वहाँ मेरे साथ चलो, जहाँ भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम ईश्वर रहते हैं। गोपियों के समुदाय के मध्य में स्थित दो पूजा वाले मुरली को धारण किए हुए नवीन मेघ के समान श्याम लाल कमल के सदृश नेत्र वाले सत पूर्णिमा के चंद्रमा के समान अति सुंदर मुख वाले करोड़ों कामदेव के लावण्य की मनोहर लीला के धाम पीतंबर धारण किए हुए माला पहने हुए वनमाला से विभूषित उत्तम रत्न धारण किए हुए प्रेम से विभूषित भक्तों के ऊपर दया करने वाले चंदन चर्चित सर्वांग कस्तूरी और केसर से युक्त वक्ष स्थल में श्री वक्ष चिन्ह से शोभित कौस्तिक मणि से विराजित श्रेष्ठों से श्रेष्ठ रत्नों के सार से रचित किरीट वाले कुंडलों से प्रकाशमान रत्नोल के सिंहासन पर बैठे हुए पार्षदों से घिरे हुए वही पुराण पुरुषोत्तम परम ब्रह्म है। हे सर्वतंत्र स्वतंत्र है, ब्रह्मांड के बीज सबके आधार, परे से भी परे निष्प्रय निर्विकार परिपूर्णतम प्रभु माया से परे सर्व शक्ति संपन्न गुण रहित नित्य शरीर ऐसे प्रभु जिस गोलोक में रहते हैं वे हम दोनों चलते हैं, वहां श्री कृष्ण चंद्र तुम्हारा दुख दूर करेंगे। श्री नारायण बोले। ऐसा कहकर अधिमास का हाथ पकड़कर हरि को लोक को गए। हे मुने, जहां पहले के प्रलय के समय में वे अज्ञान रूप महाअंधकार को दूर करने वाले ज्ञान रूप मार्ग को दिखाने वाले केवल ज्योति स्वरूप थे, जो ज्योति करोड़ों सूर्य के समान प्रभा देने वाली नित्य असंख्य विश्व की कारण थी, उन स्वेच्छा में विभू ही वह अति रेख की चरण सीमा को प्राप्त थी, जिस ज्योति के अंदर ही मनोहर तीन लोक विराजित हैं। हे मुने, उनके ऊपर अविनाशी ब्रह्म की तरह गोलोक विराजित है। 3 करोड़ योजना का चौतरफा जिसका विस्तार है, मंडला का जिनकी आकृति है, लहचिलाता हुआ साक्षात मूर्तिमान तेज का स्वरूप है, जिनकी भूमि रत्नमय योगी द्वारा स्वप्न में जो दृश्य है परंतु जो विष्णु के भक्तों से गम्य और दृश्य है,
ईश्वर ने योग द्वारा जिन्हें धारण कर रखा है ऐसा उत्तम लोक अंतरिक्ष में स्थित है। व्याधि आदि, बुढ़ापा, मृत्यु, भय आदि से रहित है। श्रेष्ठ रत्नों से भूषित, असंख्य मकानों से शोभित उस गोलोक के नीचे 50 करोड़ योजना के विस्तार के भीतर दाहिने बैकुंठ और बाहें उसी के समय मनोहर शिवलोक स्थित है। 1 करोड़ योजना विस्तार के मंडल का बैकुंठ शोभित है। सुंदर पीतम्बरधारी वैष्णव रहते हैं। उस बैकुंठ के रहने वाले शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए लक्ष्मी के सहित चतुर्भुज उस बैकुंठ में रहने वाली स्त्रियां बचते हुए नुपुर और करधनी धारण की हैं, सब लक्ष्मी के समान रूपवती हैं। गोलोक के बाएं तरफ जो शिवलोक है उसका करोड़ योजना विस्तार है। वह प्रलय शून्य है, सृष्टि में 500 से युक्त है। बड़े भाग्यवान शंकर के गढ़ जहाँ निवास करते हैं, शिवलोक में रहने वाले सब लोग सर्वांग भस्म धारण किए हैं। नाग का यज्ञोपवीत पहने रहे हैं। अर्धचंद्र जिनके मस्तक में हैं, त्रिशूल और पट्टिस्थारी सब गंगा को धारण किए हैं। सबके सब शंकर के समान जल जयशाली हैं। वो लोग के अंदर अति सुंदर एक ज्योति है। वह ज्योति परमानंद को देने वाली और बराबर परमानंद का कारण है। योगी लोग बराबर योग द्वारा ज्ञान चक्षु से आनंद जनक निराकार पर से भी उसी ज्योति का ध्यान करते हैं। उस ज्योति के अंदर अत्यंत सुंदर एक रूप है जो कि नीलकमल के पत्तों के समान श्याम, लाल कमल के समान नेत्र वाले, करोड़ों शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान शोभायमान मुख वाले, करोड़ों कामदेव के समान सौंदर्य लीला का सुंदर धाम, जो पूजा वाले मुरली हाथ में लिए मंदहास्य युक्त पीतांबर धारण शिव वत्स चिन्ह से सुशोभित वस्त्र वाले, कॉस्ट्यूम भरी सुशोभित करोड़ों उत्तम रत्नों से जटित चमचमाते किरीट और कुंडलों को धारण किए रत्नों के सिंहासन पर विराजमान वनमाला से सुशोभित हैं, वह श्री कृष्ण नाम वाले पूर्ण परम ब्रह्म अपनी इच्छा से ही संसार को नचाने वाले, सबके मूल कारण, सबके आधार से भी परे छोटी अवस्था वाले, निरंतर गोपेश को धारण किए हुए करोड़ों पुर चंद्रमों को शोभित, भक्तों के ऊपर दया करने वाले, निष्प्रय विकार रहित परिपूर्णतम स्वामी रास मंडप के बीच में बैठे हुए शांत स्वरूप रास के स्वामी, मंगल स्वरूप मंगल करने के योग्य, समस्त मंगलों के मंगल, परमानंद के राजा, सत्य रूप कभी भी नाश न होने वाले, विकार रहित समस्त सिद्धों के स्वामी, संपूर्ण इति के स्वरूप, अशेष सिद्धियों के दाता, माया से रहित ईश्वर, गुण रहित अति शरीरी आदि पुरुष, अव्यक्त अनेक है नाम जिनके, अनेकों को द्वारा स्तुति किए जाने वाले नित्य स्वतंत्र आदुती शांति स्वरूप, भक्तों को शांति देने परायण ऐसे परमात्मा के स्वरूप को शांति प्रिय, शांत, शांति परायण विश्व भक्त हैं, वे ध्यान करते हैं। इस प्रकार के स्वरूप वाले भगवान कहे जाने वाले अनक आनंद कंद श्री कृष्ण चंद हैं। श्री नारायण बोले, ऐसा कहकर भगवान शक्त स्वरूप विष्णु अधिमास को साथ लेकर शीघ्र ही परम ब्रह्म युक्त गोलोक में पहुंचे। सुचि बोले, ऐसे कहकर शतक्रिया को ग्रहण किए हुए नारायण मुनि के चुप हो जाने पर आनंद सागर पुरुषोत्तम से विभिन्न प्रकार की नई कथाओं को सुनने की इच्छा रखने वाले नारद मुनि उत्कंठा पूर्वक बोले, इस प्रकार से शाम अधिमास के पुरुषोत्तम मास के महत्व का मैंने 5वां अध्याय आप सबको कह सुनाया है। अगला 6ठा अध्याय अगले वीडियो में आप सबको मिलेगा। 6ठे अध्याय में भगवान गोलोक में जाकर क्या करते हैं वो मैं आप सबको पूरा सविस्तार कहकर सुनाऊंगी। ये वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट करके श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ये या फिर श्री कृष्ण के राधे राधे ये जरूर लिखें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। आप सब कैसे हैं ये कमेंट बॉक्स में जा करके राधे राधे अवश्य